हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 मार्च 2018। प्रीलिम अपडेटर सीरीज में स्वागत है आपका। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है वो आई है अर्थ ओवर के बारे में। तो क्या है अर्थ ओवर, इसके बारे में जान लेते हैं। 24 मार्च को हर साल एक एनुअल इवेंट के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 24 मार्च को डेट टाइम कौन सा था, वो था इसके शाम को 8:30 पे, मतलब 8:30 बजे को शाम को यह मनाया गया था। 8:30 से 9:30 के बीच में एक घंटे के लिए अर्थ ओवर है वो हर साल मनाया जाता है। तो एक एनुअल इवेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, वो इसे ऑर्गेनाइज करता है, वो कहता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि WWF है वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटो यह है कि भाई जो कंजर्वेशन है ना, एक्चुअली लाइट का कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एनर्जी की, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए। देखो मेन बात यह है कि आपको पता है कि आज पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की समस्या है वो गंभीर बनती जा रही है। तो इसीलिए एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव उठाया गया और ये मेनली स्टार्ट हुआ था सिडनी में, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जो सिटी है वहाँ से इसकी 2007 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे बाकी वर्ल्ड की और सिटीज़ ने भी इसको स्टार्ट कर दिया। अब भाई इसमें होता क्या है अर्थ ओवर में, इसमें ये होता है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज के प्रति लोग अवेयर करते हैं, एक घंटे के लिए क्या होते हैं, लोग अपनी लाइट वगैरह वो सब बंद कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को मतलब कंजप्शन को रोक देते हैं, और इससे लोग एक दूसरे को अवेयर वगैरह करने का एक प्रोग्राम हो चला जाता है। तो हर साल यह मनाया जाता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार। और अगली बात क्या है, इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज इसमें है वो है अर्थ डे के बारे में। तो अर्थ डे भी हम देख लेते हैं कि एक अर्थ डे है वो क्या होता है। अर्थ डे है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अर्थ डे का मेन मोटो ये होता है सेलिब्रेट करने का कि भाई जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, कि जैसे हम पेड़ पौधे लगाएं या फिर हमारी जो रेगुलर पेड़ पौधों का वगैरह जो भी हम फूड जो एक्चुअली होता है वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल वगैरह करने की जो प्रोसेस होती है वो होता है एक्चुअली अर्थ डे के लिए, मतलब जो पेड़ पौधे लगाना प्लांट्स लगाने के लिए। जबकि अर्थ ओवर है वो मेनली इन्वायरमेंट जो हमारा क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है उसके लिए मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक एनुअल इवेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्चुअली सैंडस्टोन केव के बारे में। तो आर्टिकल कंटेक्स्ट ये है कि अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो सैंडस्टोन केव है वो मेघालय में खोजी गई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है करीमपुरी। करीमपुरी जगह है एक्चुअली, वहाँ पे जो केव है खोजी गई है। इसकी लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेट 24 किलोमीटर से ज़्यादा के आसपास, 24 किलोमीटर के आसपास, 24,583 मीटर की ये टोटल लेंथ है। इससे पहले जो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो सैंडस्टोन केव थी वो थी एक्चुअली वेनेजुएला में, जिसकी लंबाई थी वो थी 18,200 मीटर। तो अभी उससे भी लंबी सैंडस्टोन केव वो यहाँ पे खोजी गई है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पे फॉसिल्स अवशेष वगैरह मिल रहे हैं डायनासोर वगैरह के, ये ऐसे रेप्टाइल्स वगैरह भी यहाँ पे रहते थे। तो ये यहाँ पे पूर्व अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सैंडस्टोन केव, मतलब जो चुन्ने के पत्थर की जो गुफा होती है, केव होती है, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, वही सैंडस्टोन केव है। तो सबसे लंबी अभी मेघालय में खोजी गई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टीबी डे के बारे में। देखो हर साल 24 मार्च को टीबी डे है वो मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या है वो देख लेते हैं। थीम थी वो इस बार की थी वांटेड लैंड फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड के बारे में। तो इस बार की थीम है, थीम के एक बार वापस देख लेते हैं, वो है वांटेड लीडर फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड के बारे में। तो मतलब टीबी फ्री वर्ल्ड है वो हमें बनाना है। इससे के साथ आपको पता है, जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि देखो टीबी को एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्लान रखा गया कि भाई 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे ना, तब तक हम पूरे विश्व से टीबी को जड़ से खत्म कर दें। तो उसके लिए गवर्नमेंट सभी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं काफ़ी सारे स्टेप वगैरह भी उठा रही हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। टीबी है वह है जो ट्यूबरक्लोसिस है, यह मेनली बैक्टीरिया जनित एक रोग होता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया भी आपको ध्यान रखना कि इस बैक्टीरिया जैसे यूपीएससी मेनली के बार साइंस एंड टेक या जनरल स्टडीज से क्वेश्चन से वो पूछ लेती है। अगला जो आर्टिकल है वो है कोंगो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो कोंगो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो हम जान लेते हैं। कोंगो कॉन्फ्लिक्ट बात ऐसी है कि जो कोंगो कंट्री है एक्चुअली अफ्रीका की, जैसा कि हम एक बार मैप में भी देखने वाले हैं, इससे पहले जो एक बार कंटेक्स्ट को देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि वहाँ पे दो समुदाय हैं मेनली, काफ़ी बड़े कम्युनिटी हैं। एक तो है वो है पिग्मीज, दूसरा है यहाँ पे बांतूस। तो पिग्मी और बांतूस वहाँ पे दो कम्युनिटी हैं। अब देखो पिग्मी जो कम्युनिटी है ना, ये तो एक्चुअली घूमकर टाइप के, मतलब घूम घूम के एक्चुअली वहाँ पे रहते हैं, उनका कोई वैसे स्थायी आवास वगैरह नहीं होता है। तो जो पिग्मी कम्युनिटी है और जो यहाँ पे बांतूस जो कम्युनिटी है कांगो की, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट विवाद हो गया है, जिससे काफ़ी सारे लोग हैं डिस्प्लेसमेंट हो गए, मतलब दूसरी जगह प्रतिस्थापित हुए हैं। और उससे वहाँ पे एक्चुअली बादल, संकट के बादल हैं वो आ गए हैं, जिस काफ़ी मामला गंभीर होते जा रहा है कि दोनों के आपस में बीच में लड़ाई हो रही है। जबकि जो बांतूस कम्युनिटी है ना, ये एक्चुअली खेती करती है। तो आपको पता है कि ये
जंतु सही तो बीच खेती कर रहे हैं बेचारे, और ये जो इधर पिग्मीज हैं ये बेचारे घूमते हैं, तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में दोनों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, इसकी वजह से समस्या गंभीर होती जा रही है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकते हैं कि एथनिक ग्रुप से रिलेटेड कि भाई ये कहाँ से रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना कि पिग्मी और जो बंतूस हैं ये मेनली अफ्रीका वाले एरियाज में, सेंट्रल अफ्रीका के एरिया में पाए जाते हैं, मेनली कॉन्गो कंट्री हुई, नाइजर हुई या चड जो कंट्री उस वाले एरिया में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे लगे हाथ मैप के बारे में, कि यूपीएससी मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। ये है एक्चुअली अफ्रीका का मैप, वही हो गया यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका। तो सेंट्रल अफ्रीका में ये रहा आपका कॉन्गो कंट्री, तो इस कॉन्गो कंट्री वाले एरिया के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो आपको एक चीज़ तो ये पता होना चाहिए, कॉन्गो है वो एक्चुअली लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका थोड़ा सा हिस्सा है वो यहाँ पे ओशन को टच कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। यूपी इस तरीके से पूछ सकती है इसके बारे में, ये देखो आप इधर से ये एक्चुअली कॉन्गो एरिया है और यहाँ पे ये रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली ओशन को टच करती है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है ये लेक, ये रिचर्ड कंट्री, यहाँ पे लेक चड है जिसके नाम पे, यहाँ पे नाइजर है, यहाँ पे नाइजीरिया है, ये चीज़ हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। हमने मैपिंग में डिस्कस भी किया था ये चीज़, इन सारी चीज़ों को, तो इसलिए यूपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल वो भी अफ्रीका से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में क्या है, ये आया है AFCFTA के बारे में, देख लेते हैं AFCFTA है क्या। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एरिया के बारे में है क्या, इसके बारे में देखते हैं। देखो अफ्रीका जो यूनियन है ना, अफ्रीकन यूनियन, उसने एक्चुअली रवांडा जो कि किगाली में, वहाँ पे एक सबमिट किया जिसमें 44 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एरिया में एक तरीके से ट्रेड करने के लिए इसका साइन है वो किया गया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखो बात ऐसी है कि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है नाइजीरिया कंट्री की, और नाइजीरिया ने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब नाइजीरिया ने इसमें हिस्सा है वो नहीं लिया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो अफ्रीका यूनियन है वो एक्चुअली 2002 में बनाया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इथोपिया में है, इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदीस अबाब, तो अदीस अबाब जो कैपिटल है इथोपिया की वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए अफ्रीका यूनियन का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में। इसी के साथ देखो अगली बात यह कि जब ये अगर जो ये AFCFTA है अगर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इसे एक्टिव फॉर्म में आया नहीं है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो यह WTO के बाद सबसे बड़ा एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि WTO है आपको पता है 1995 में हुआ था, तो WTO के बाद जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है वो अब हो जाएगा, बाद में AFCFTA जो कि अफ्रीकन यूनियन के बीच में, क्योंकि इसमें 44 कंट्रीज़ हैं अभी तक हिस्सा ले चुके हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ हमें थोड़ा पता होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो हो जाती हैं। ये UPSC से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगी कि भाई सभी कंट्री जिसमें शामिल है नहीं है, सभी कंट्री शामिल नहीं है, नाइजीरिया आप देख सकते हो अभी तक शामिल नहीं हुआ है, और बाकी भी अफ्रीका में 54 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो अभी कल 44 कंट्रियों ने इसे साइन वगैरह किया है, तो ये चीज़ भी थोड़ी हमें इंडायरेक्टली पता होना चाहिए। UPSC आजकल घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन पूछने लगी है। अगला जो आर्टिकल हुआ है NCB के बारे में, देख लेते हैं क्या है। NCB का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। बात ऐसी है कि आजकल जो काफ़ी मतलब जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है, ड्रग स्मगलिंग वगैरह, तो उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो बॉडी इंडिया में काम करती है वो करती है NCB, तो इस पे UPSC डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह है वो यहाँ पे पूछ सकती है। देखो जो NCB है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यह मेनली आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि होम अफेयर जो मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। 1986 में इसको बनाया गया था इस ब्यूरो को। यह नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब ड्रग्स का कहीं भी ट्रैकिंग वगैरह होती है इंडिया में तो के ऊपर लगाम लगाने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए NCB है वो काम करती है। इसके साथ जो इलीगल जो सब्सटेंस होते हैं या कोई भी ऐसे तत्व जो कि अलाउ नहीं होते हैं, जिनकी स्मगलिंग हो रही है, उन सब के ऊपर भी यह लगाम है वो लगाती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इस कौन सी बॉडी है, कौन से तहत आती है। मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रख लेना कि वो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन वाली हो रही है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो एक्चुअली है विदेश आया प्रदेश के द्वार, ये कैंपेन एक प्रोग्राम हो चला गया, किसके द्वारा, यह चला गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में एक्चुअली प्रावधान किया गया है कि भाई जो हमारे देश की रीजनल मीडिया है ना, रीजन लोग वगैरह, उनके साथ कम्युनिकेटेड करते हुए जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है या पब्लिक डिप्लोमेसी है उसको आगे हमें लेके जाना है, तो उसके लिए यह है मेनली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है विदेश आया प्रदेश के द्वारा। तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है, तो उसको लेकर एक आर्टिकल है वो आया था, तो हमने इसके बारे में जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर किया। बस ये ध्यान रखना कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा रीजनल मीडिया की हेल्प से पब्लिक डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करने के लिए है तेलंगाना में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है, तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आज के हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि कल संडे था तो इतनी कुछ खास न्यूज़ है ही नहीं है। अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष क्या है।
सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने ही है कि एक तो बीमा कंपनियों का नियम है ना कोई, या फिर इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए है। तीसरा ऑप्शन ही है कि किसानों की इनकम है वो बढ़ाने के लिए है। चौथा ऑप्शन है वो है कि जो रक्षा खरीद है उसकी प्रक्रिया को काफ़ी ईजी करने के लिए है। तो देखो, हमने इंद्रधनुष के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। इंद्रधनुष है वो एक्चुअली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मिशन एक इंद्रधनुष था वो एक हेल्थ के लिए भी आया था, बट यहाँ पे जो इंद्रधनुष है केवल वो आया था बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से कन्फ्यूजन वो नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी आपको बतानी है। मैं आपको चार ऑप्शन बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी इसमें स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको INS कलवरी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है INS सिंधु घोष, तीसरा ऑप्शन है वो है INS करंज, और चौथा है वो है INS अरिहंत। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। ऑप्शन एक बार वापस बता देता हूँ, INS कलवरी, INS सिंधु घोष, चौथा है तीसरा है INS करंज, और चौथा है INS अरिहंत। तो देखिए, इनमें से जो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया एक्चुअली काफ़ी बार, हम स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी हर साल हर महीने न्यूज़ में आती रहती है। तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा एक तो INS कलवरी है, वो भी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। इसके साथ देखा जाए तो INS करंज है, वो भी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। तो INS कलवरी और INS करंज है वो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिहिर के बारे में। मिहिर एक कंप्यूटर बनाया गया था जो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो आपको बताना है कि मिहिर के बारे में भाई है कि, तीन स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि इसकी स्थापना है वो सी डेक के द्वारा पुणे में की गई थी। दूसरा ऑप्शन है कि यह मौसम के पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम करता है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यह हमारे देश की जो सिटीज़ है ना उनकी एयर क्वालिटी और जो प्रदूषण है पोल्यूशन है उसका मापन करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो, पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था कि मिहिर कंप्यूटर है वो एक्चुअली नोएडा में बनाया गया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, सेकंड और थर्ड दोनों बिल्कुल सही हैं। तो थर्ड और जो सेकंड और थर्ड है वो हमारे सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के बारे में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कि है भारत की सिंचाई परियोजनाओं के एकीकरण तथा जल दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य है और टारगेट है वो रखती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हर खेत को पानी इसका प्रमुख टारगेट है, या मतलब इसका मेन मोटो ये रखा गया कि भी हर खेत को पानी मिले। तो बताना कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए वो है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। तो आपको जननी सुरक्षा योजना के बारे में दो तीन स्टेटमेंट है वो बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट में से सही होता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसमें भारत की सभी गर्भवती और जो नव प्रस्तुता जो महिलाएं हैं ना उनको इसमें एक्चुअली लाभ है, मतलब उनको बेनिफिट है वो मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस योजना को भारतीय जो राष्ट्रीय मातृत्व योजना चलाई गई थी उसके अंडर है चलाया गया है। ध्यान रखना, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस योजना को राष्ट्रीय मातृत्व योजना के अधीन है वो चलाया गया है। तो अब तक आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।